हेलो एवरीवन। तो लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसका आज लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो हम लोग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो है कर चुके हैं। सिर्फ एक्सक्रीशन जो टॉपिक है वो बचा हुआ है। और जो एक्सक्रीशन है इसमें क्या कहते हैं हमारे मतलब बुक में, आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में, उसमें जो एक्सक्रीशन है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स का है और थोड़ा सा प्लांट्स का है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स का तो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं। तो प्लांट्स जो एक्सक्रीशन करते हैं तो उनके पास कोई ह्यूमन बींग्स की तरह एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे, पहले भी पढ़े होंगे। तो उनके पास ह्यूमन बींग्स की तरह कोई एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता है। उनका जो सिंपल जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के टाइम में ऑक्सीजन भी एक तरह का वेस्ट है जिसको वो क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं स्टोमाटा के थ्रू। और जो वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वो रिलीज कर देते हैं। इसके अलावा गम, रेसिन्स है ना, ये सब भी कुछ कुछ प्लांट्स के जो होते हैं वो वेस्ट मटेरियल होते हैं। और क्या कहते हैं जो वेस्ट मटेरियल है, कुछ वेस्ट मटेरियल जो है वो अपने लीव्स में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और वो जब लीव्स जो है वो ओल्ड हो जाते हैं तो फिर वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। इस तरह से भी वो अपने वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, बाहर करते हैं अपने बॉडी से। ठीक है, तो वो सिंपल सा एक्सक्रीशन है प्लांट्स का, बस और कुछ नहीं है उसमें। आप एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, आप पढ़ सकते हैं, एकदम ईजी है। ठीक है, तो जो मेन टॉपिक है आज वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है, तो पहले बेसिकली एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब हुआ कि वेस्ट मटेरियल का, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, ठीक है, उनको बॉडी से बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो प्लांट्स में कोई एक सिस्टम नहीं, अलग अलग तरह से हम देखें ऑक्सीजन को स्टोमाटा के थ्रू निकाला जा रहा है, फोटोसिंथेसिस में वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू, लीव्स फॉल हो रहे हैं उसमें जो वेस्ट है वो गिर जा रहा है, गम्स, रेसिन जो है अलग अलग तरीके से उसमें निकल रहा है। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है हमारे बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसी एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में हमको आज पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो दो बीन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम किडनी बोलते हैं। ठीक है, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। ठीक है, कल जैसे कि हम डिस्कस किए थे कि जब हम डायग्राम बनाते हैं कोई भी ह्यूमन बॉडी का तो इस तरह से जो हम जब सामने आते हैं तब ये वाला जो है राइट हो गया, ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, है ना। तो इसलिए ये लग रहा है लेफ्ट लेकिन है ये राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी। ठीक है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इसके बाद किडनी हो गया। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस किए थे कल कि जो वो होता है क्या कहते हैं लार्जेस्ट आर्टरी होता है वो ऑर्टा होता है ना, वही लेके जाता है ब्लड को पूरे बॉडी में, है ना, और सारे पूरे बॉडी से ब्लड को जो लेके आता है हार्ट के पास वो वेना कावा होता है, लार्जेस्ट वेन, है ना। तो यहाँ पे भी वही है, ऑर्टा और वेना कावा ये। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन अलग है। वहां पे हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या बोलते थे, प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड को इम्प्योर ब्लड। यहाँ पे क्या है कि जिस ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन वाला वेस्ट मटेरियल होगा वो हो जाएगा इम्प्योर ब्लड, और जिसमें नहीं होगा वो हो जाएगा प्योर ब्लड। तो हम लोग वहां देखें कि प्योर ब्लड जो है आर्टरीज कैरी कर रहे थे, मतलब ऑर्टा कैरी कर रहा था, और इम्प्योर ब्लड जो है वो वेना कावा कैरी कर रहा था। पर यहाँ उल्टा है, ऑर्टा जो है वो इम्प्योर ब्लड, यानी उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ऑक्सीजन वाला ब्लड प्योर ब्लड नहीं है, बल्कि जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं हो वो ब्लड जो है वो कौन सा ब्लड होगा, वो प्योर ब्लड होगा। लेकिन ऑर्टा वाला ऑक्सीजन वाले ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो उन नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालने के बाद जो है उसको वेना कावा लेके जाता है। तो वेना कावा लेके जाता है, तो वेना कावा यहाँ प्योर ब्लड और आर्टरीज जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो प्योर और इम्प्योर यहाँ के लिए याद रखिए और वहाँ के लिए ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेना कावा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और यहाँ पे ऑर्टा जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट वाला ब्लड कैरी करता है, और जो वेना कावा है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट जिसमें नहीं है वैसा ब्लड कैरी करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के। पहले यहाँ पे देखिए दो किडनीज हैं, तो एक ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। राइट वाला जो किडनी होता है वो झुका हुआ होता है नीचे की तरफ और थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। इसका रीजन है, रीजन ये है कि यहाँ पे लीवर होता है ना, हम लोग पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, वो यहीं पे प्रेजेंट होता है जस्ट इसके ऊपर, जिसके कारण ये थोड़ा सा झुका हुआ और थोड़ा छोटा होता है लेफ्ट किडनी के कंपेरिजन। ठीक है, इसके बाद जो ये है आपका वेना कावा ऑर्टा जो है ये है, ये कनेक्टेड होते हैं आर्टरी दोनों किडनीज से, ये दोनों जो किडनीज से कनेक्टेड होते हैं ठीक है, वो उनको हम क्या बोलते हैं रेनल आर्टरीज, आर्टरी का जो ब्रांच है यहाँ। ठीक है, जैसे ये आर्टरी है तो एक इधर ब्रांच इधर जाएगा, एक इस किडनी में, एक दूसरा ब्रांच इस किडनी में जाएगा, तो इसको रेनल आर्टरी बोलते हैं। ये लेफ्ट रेनल आर्टरी हो गया, ये राइट रेनल आर्टरी हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट रेनल आर्टरी हो गया, ये राइट रेनल आर्टरी हो गया। वैसे ही अगर ये वेना कावा है तो वेना कावा का ये क्या हो जाएगा लेफ्ट रेनल वेन और ये राइट रेनल वेन। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यही रेनल आर्टरी है यही रेनल वेन है, ऐसा नहीं है। रेनल वेन जो है वो ये ब्रांच जो है इसको कहते हैं हम। ठीक है, इस ब्रांच को वेना कावा का जो ब्रांच निकला हुआ है उसको रेनल वेन बोलते हैं, और ऑर्टा का जो ब्रांच निकला होता है उसको रेनल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये रहता है, तो यहाँ से ही जो ऑर्टा से क्या आएगा ब्लड आएगा, और ब्लड कौन सा आएगा नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से आएगा, और कौन सा ब्लड आएगा इम्प्योर ब्लड यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट वाला ब्लड आएगा ऑर्टा से, और कहाँ जाएगा किडनीज में जाएगा। किडनीज में वो क्या होगा फिल्टर होगा। ठीक है, वो फिल्टर कैसे होता है अभी हम यहाँ देखेंगे, पर किडनीज में वो फिल्टर होता है, किडनी ही फिल्टर करते हैं ब्लड को, मतलब उस ब्लड से क्या अलग कर रहे हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को वो अलग करते हैं, और फिर वो जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट के बिना वाला ब्लड, मतलब जिस ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट अब नहीं है, वो रेनल वेन से वेना कावा में आता है और फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना सा। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल, अब ब्लड तो चला गया, वेस्ट मटेरियल किडनी में रह गया, वो वेस्ट मटेरियल जो है इस यूरेटर के थ्रू, दो यूरेटर्स होते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट वाला होगा है ना, दोनों यूरेटर्स के थ्रू कहाँ आ जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, तो यूरिनरी ब्लैडर एक बैग है कह सकते हैं आप, जिसमें कि यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो स्टोर्ड होता है। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को जो सॉल्युबल होता है, सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इन वाटर को हम यूरिन बोलते हैं है ना। कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन आप पढ़े होंगे पहले भी, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है और वाटर होता है ना। ठीक है, तो वो यहाँ पे स्टोर होता है, और जब ये बैग फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू प्रियोटिकली जो है इसको डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, यूरेथ्रा जो है नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस यूरेथ्रा के थ्रू जो है प्रियोटिकली इसको डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये हुआ बेसिक जो हम देख रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम जो हमको सामने से दिख रहा है। ठीक है, कि ब्लड ऑर्टा लेके आया प्योर करने के लिए, किडनी को दिया, किडनी ने उसको फिल्टर किया और ब्लड वापस कर दिया वेना कावा को। ठीक है, और जो फिल्टर होने के बाद वेस्ट मटेरियल बच गए, उस वेस्ट मटेरियल को यूरेटर के थ्रू कहाँ डाल दिया यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के थ्रू वो डिस्चार्ज हो गया बॉडी से, और इस तरह से ये एक्सक्रेटरी सिस्टम यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसका एक यूनिट होता है। ठीक है, जो सबसे सिंपल यूनिट होता है किसका, किडनी का। किडनी के अंदर बहुत सारे वो यूनिट्स उन्हीं से मिल के जो है उन्हीं से मिलके ये किडनी बना है, और वो नहीं होंगे तो किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिल्टरिंग यूनिट कह सकते हैं आप किडनी का उनको। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन बोला जाता है उनको, और एक किडनी के अंदर लगभग 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं लगभग एक किडनी के अंदर। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के थ्रू जो है ब्लड का प्योरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन कह सकते हैं होता है। ठीक है, ब्लड फिल्टर जो होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बुक्स में जो है बहुत डिटेल में दिया हुआ है
लेकिन हमको उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है 10th क्लास का जितना सा पढ़ना है हम उतना सा आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा है ये एकदम सिंपल सा नेफ्रॉन का डायग्राम हम बनाए, ठीक है। तो जो ओरिजिनल नेफ्रॉन होता है वो ऐसा सीधा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं वो गुंजल टाइप का होता है, आपस में पूरा जो है बंधा हुआ होता है, ठीक है, उसी टाइप का होता है, सीधा नहीं होता है, ठीक है। तो सीधा इसलिए बनाया था कि समझने में आसानी हो बस। तो ऐसे अगर आप एग्जाम में ये डायग्राम बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मार्क्स मिलेगा। तो मान लीजिए ये नेफ्रॉन है आपका, ठीक है। इस नेफ्रॉन को ये आपका पूरा नेफ्रॉन है, ठीक है। इसमें नेफ्रॉन में जो यहाँ पे ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। इसी से जो है ब्लड एंटर, मतलब ब्लड यहीं पे जो है फिल्टर होता है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में। तो जो आपका रेनल आर्टरी था, ऑरोटा और ऑटा जो था, ऑटा दो ब्रांचेस में रेनल आर्टरीज में बटा, फिर रेनल आर्टरीज बहुत सारे ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑटा क्या हुआ, दो ब्रांचेस में बटा, ठीक है, उसमें से एक ब्रांच ले लेते हैं, एक रेनल आर्टरी, मान लीजिए इस साइड वाला ले लिए, है ना, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाले रेनल आर्टरी को लिए, फिर वो बहुत सारे ब्रांचेस में बढ़ जाता है, और हर एक ब्रांच जो है वो कहाँ जाके हर एक नेफ्रॉन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। रेनल आर्टरी का हर ब्रांच किससे कनेक्टेड होता है, हाँ, एक एक नेफ्रॉन के, कहाँ पे, बोमेंस कैप्स्यूल में, ठीक है। बोमेंस कैप्स्यूल में भी जो उसका पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पे वो उसका कनेक्शन होता है, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस आर साइलेंट होता है, ग्लोमेरुलस इसको बोला जाता है, यहीं पे जो है ये कनेक्शन होता है, ठीक है। हम अब जो है इसको हम समझेंगे, ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर है ये आपका ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, ये जो आपका पूरा घुमा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, और यहाँ पे जो आपको यू शेप दिख रहा है, ठीक है, जब भी आप ये डायग्राम बनाएं तो ये यू शेप नहीं छोड़ना है कभी भी, ये यू शेप दिखना चाहिए एकदम एक्यूरेट। इसको हम हैनलीस लूप बोलते हैं, ठीक है, क्या बोला जाता है, हैनलीस लूप। एकदम सिंपल है इसका यहाँ मेथड, जो एक्सक्रीशन होता है हमारे बॉडी में, फिल्ट्रेशन, एकदम ईजी है, आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा। देख लीजिए क्या होता है कि जो वो है आपका रेनल आर्टरी, वो ब्रांच में बैठ गया, वही दो ब्रांचेस हम यहाँ पे दिखाएं, ठीक है, दो ब्रांचेस होते हैं ये जो आपका, आप इसको एक ब्रांच भी मान सकते हैं, ठीक है, ये कनेक्ट थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ी देर के लिए, थोड़े से पोर्शन के लिए दोनों अनकनेक्टेड होते हैं, नहीं तो आपस में चिपके ही होते हैं, ठीक है। इस ब्रांच से, ये रेनल आर्टरी का जो ब्रांच है, इससे आपका, मान लीजिए ये आपका ये है क्या, ये ऑटा का जो ये ब्रांच है, रेनल आर्टरी का ब्रांच हुआ, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी लिखे भी है, दोनों ब्रांचेस ऑफ रेनल आर्टरी है। ये जो है यहाँ से ब्लड आया, कौन सा ब्लड आ रहा है, नाइट्रोजिनस वेस्ट वाला ब्लड, और बहुत ही हाई प्रेशर के साथ वो ब्लड आता है, ठीक है। वो ब्लड कैसे आता है, बहुत हाई प्रेशर के साथ, जानते हैं आर्टरीज में जो ब्लड होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है ना, हम लोग कल भी देखे, जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखे तो उसमें भी, तो ऑर्टा का है, क्योंकि वो ऑर्टा से जो ब्लड आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत ही हाई प्रेशर के साथ आ रहा है, और हाई प्रेशर से यहाँ टकराने के कारण क्या होता है, किससे, जो जो भी उसमें सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो जो है बाहर हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बाहर हो जाते हैं, मतलब इससे फिल्टर हो जाते हैं, इससे अंदर चले जाते हैं, और ब्लड जो है वो बच जाता है, ठीक है, वो ब्लड बच जाता है, मतलब वो ब्लड यहाँ से गया, यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ टकराया और जो सॉल्यूट्स हैं वो यहाँ एंटर हो गए, और फिर ब्लड जो है वो रिटर्न हो गया इस वाले ब्रांच के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या गए, सॉल्यूट्स गए, पर उसमें बहुत सारे चीजें हैं, क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे सीलिया होता है, ठीक है, सीलिया जानते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो ना उसको अंदर की तरफ खींचते हैं, जो यहाँ पे वेस्ट आया, ठीक है, उस वेस्ट को अंदर की तरफ, या उस सॉल्यूट्स को, जो सॉल्यूशन अंदर आया उसको, मतलब फ्लो करवाते हैं इसमें, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में जब वो फ्लो होता है तो क्या होता है, तो जब फ्लो होता है तो वहां पे सिर्फ अभी नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं, बल्कि और भी कुछ क्या है बचे हुए हैं, जैसे कि एक तो आपका वहां पे यूरिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये दोनों तो वेस्ट है ना। इसके अलावा
इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, ये दोनों तो वेस्ट है। इसके अलावा आपका जो वहां पे इसमें एमिनो एसिड भी है जो प्रोटीन का कंपोनेंट है, मतलब प्रोटीन जो हम जो क्या कर रहे हैं किए थे जब वो डाइजेस्ट जो हुआ था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोटीन, तो वो जो है उसका पार्ट मतलब सिंपल न्यूट्रिएंट है। इसके अलावा ग्लूकोज जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो आपका ब्रांच था इसका रेनल आर्टरी का ब्रांच था, वो रेनल आर्टरी का ब्रांच क्या हुआ, यहां से जब इसमें ब्लड आया तो वो फिर कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, है ना। हम लोग जब देखे हैं कल कल जब हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हमने क्या देखा पिछले भी पार्ट में कि जो आर्टरीज हैं वो क्या होते हैं, जो हर एक सेल तक, क्योंकि वो बहुत ही थिक होते हैं तो वो हर सेल तक तो न्यूट्रिएंट्स पहुंचा नहीं सकते हैं, जो पहुंचाना है वो नहीं पहुंचा सकते, तो वो आर्टरीज क्या होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं कैपिलरीज में। वो कैपिलरीज जो है वो हर एक सेल को प्रोवाइड कर देते हैं जो उनको चाहिए, फिर वो कैपिलरीज कंबाइन होकर वेन बना लेते हैं, है ना। वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, हो क्या रहा है कि जो आपका ब्रांच है रेनल आर्टरी का वो डिवाइड हो गया कैपिलरीज में। क्यों डिवाइड हुआ, डिवाइड होने का कारण है वहां पे उनको वहां पे जो वेस्ट मटेरियल के साथ एमिनो एसिड ग्लूकोज चला गया, उसको वापस अब्जॉर्ब भी तो करना है ना। तो यहाँ पे जो ये कैपिलरीज डिवाइड होते हैं, ये कैपिलरीज जो है पूरे नेफ्रॉन पे फैले हुए होते हैं, पूरे नेफ्रॉन पे फैले हुए हैं ये जो कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज पूरे नेफ्रॉन पे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये सेलेक्टिवली अब्जॉर्प्शन करते हैं। ये कैपिलरीज क्या करते हैं, ये कैपिलरीज सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन करते हैं। सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन किसका करते हैं, इन दोनों का। ठीक है, एमिनो एसिड्स का और ग्लूकोज का, इन दोनों का। ये दोनों, ये जो आपके कैपिलरीज हैं ये सेलेक्टिवली उनको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब देखते हैं, मतलब वो उनका जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, वो खुद सेलेक्ट करता है कि इसको अंदर आने देना है इसको नहीं आने देना है। तो वो धीरे धीरे जो, क्योंकि इस कारण से जो नेफ्रॉन है ये इस टाइप का होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया मिल सके उस अब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, सरफेस एरिया का बात यहाँ पे भी आ रहा है, रेस्पिरेशन में भी आया था, है ना, और डाइजेशन में भी आया था, तो यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे जो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर वैसा होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर इसलिए होता था कि ज्यादा कैपिलरीज जो है उसमें क्या हो सके, अटैच हो सके और ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सेलेक्टिवली अब्जॉर्ब कर रहे हैं इस पोर्शन में, कह सकते हैं आप, वो सेलेक्टिवली अब्जॉर्ब करते हैं किसको, ग्लूकोज को, एमिनो एसिड्स को अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, ये सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, तो आपका इसमें से ये जो वेस्ट था, ठीक है, उसमें एमिनो एसिड और ग्लूकोज खत्म हो गया। अब क्या बचा, यूरिया बचा, यूरिक एसिड बचा, वाटर बचा और कुछ सॉल्ट्स होते हैं वहां। ठीक है, फिर वाटर का भी अब्जॉर्प्शन होता है, मान लीजिए कि अगर समर सीजन है, ठीक है, और हमारा जो बहुत ज्यादा जो वाटर है वो स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू हमारे बॉडी से निकलते रहता है, तो उस समय जो है हमारा बॉडी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाया जाए, तो इसलिए जो है वहां पे वाटर को भी क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है, वाटर का अब्जॉर्प्शन जो है ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक है, हमारे बॉडी को उस समय वाटर का नीड है या नहीं, अगर नीड है तो अब्जॉर्ब होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, ये यहीं पे होता है, हेनरीज लूप में होता है ये अब्जॉर्प्शन। हेनरीज लूप में क्या होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोला जाता है, सिंपल है। तो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन किया जाता है, यानी वाटर का रेगुलेशन किया जाता है, हेनरीज लूप जो है, मतलब कि हमारे बॉडी को उस वाटर का जरूरत है या नहीं है उस हिसाब से। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जो वाटर है, लगभग वाटर को कोशिश किया जाता है कि अब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, अब्जॉर्ब कर लेने से क्या होगा तो यहाँ पे जो हुए, यहाँ पे हुआ क्या,
अब्जॉर्ब कर लेने से आपका जो वाटर है उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा उस वेस्ट में, ठीक है। अगर नहीं है जरूरत तो नहीं होगा अब्जॉर्ब। इसके बाद जैसे यहाँ पे आपका जो ये था रेनल आर्टरी था, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी डिवाइड हुआ था कैपिलरीज में, ये कैपिलरीज जो है यहाँ से यहाँ ऐसे आपको दिख रहे हैं, ये सारे कैपिलरीज फिर जाके कंबाइन हो जाते हैं किसमें, ये कैपिलरीज कंबाइन हो गए रेनल वेन में, ठीक है, ब्रांच ऑफ रेनल वेन में। ये कैपिलरीज कंबाइन होके क्या बना लिए, ब्रांच ऑफ रेनल वेन। तो इस तरह से ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी से ब्लड पहले आया, टकराया, और उससे जो सॉल्यूशन है वेस्ट मटेरियल्स का वो कहाँ चला गया, वोमेंस कैप्सूल से ट्यूबुलर जो पार्ट है नेफ्रॉन का उसमें चला गया। ट्यूबुलर पार्ट में जाने के बाद वहां पे हम देखा गया कि कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स में ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, उसको अब्जॉर्ब करना है, तो वो ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी डिवाइड हो गया कैपिलरीज में, ठीक है। उस कैपिलरीज ने सेलेक्टिवली अब्जॉर्ब कर लिया ग्लूकोज को और एमिनो एसिड को। वो अब्जॉर्ब करने के बाद, ग्लूकोज और एमिनो एसिड को अब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, फिर जरूरत हुआ वाटर का। अगर हमारे बॉडी को जरूरत है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, जरूरत है नहीं होगा अब्जॉर्ब, अगर जरूरत है तो उसको अब्जॉर्ब कर लिया। और इस प्रोसेस को हम ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं, कहते हैं वाटर के क्वांटिटी को बॉडी में मेंटेन करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये कैपिलरीज थे, इन्होंने ग्लूकोज अब्जॉर्ब कर लिया, अमीनो एसिड अब्जॉर्ब कर लिया, वाटर का जरूरत था तो उसको भी अब्जॉर्ब कर लिया, अगर जो सॉल्ट हैं उसमें भी किसी का जरूरत है तो उस सॉल्ट को भी अब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद वो कैपिलरीज फिर कंबाइन हुए और क्या बना दिए, ब्रांच ऑफ रेनल वेन। और ये ब्रांच ऑफ रेनल वेन फिर कंबाइन होके रेनल वेन बनाएगा, और रेनल वेन किससे कनेक्टेड है, वेना कावा से, और फिर वेना कावा ब्लड लेके चले जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस जो है हमको यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो मतलब ये आपका जो ब्रांच ऑफ रेनल वेन था ये कंबाइन हो गया किसमें, रेनल वेन में, और ये वेना कावा में आ गया ब्लड, और ब्लड वेना कावा लेके चला गया। और जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है, अब यहाँ वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है, वो वेस्ट मटेरियल जो है इसमें फ्लो होगा, फ्लो होते हुए कहाँ चले जाएगा, मेन डक्ट में चले जाएगा, इसको कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल जो है आ जाएगा, और सारे नेफ्रॉन्स भी इसी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स से वो आएगा। और वो कलेक्शन कहाँ आ जाएगा, किडनी में, किडनी से फिर क्या होगा, उस यूरेटर के थ्रू आ जाएगा, इसमें यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही फेनोमेना एकदम ईजी है, सिंपल सा है एक्सक्रीशन हमारे ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, इतना सा ही है एक्सक्रीशन। प्लांट्स के बारे में आपको पहले ही बता दी, तो जो ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस फाइनली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप आपको सब चीज समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने पढ़ाया। थैंक यू।